नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। चुनावी प्रचार प्रसार में आज राम प्रताप गुप्ता वार्ड नंबर 4 में पहुंचे हैं, जहां एम्प्लॉयज कॉलोनी की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जहां पर महिलाएं और पुरुष काफ़ी भारी संख्या में मौजूद हैं। इस उपलक्ष पर एक जादू राम प्रताप गुप्ता के कार्यक्रम में चला, क्योंकि इस उपलक्ष पर जाने माने जादूगर सम्राट अशोक भी यहां पर पहुंचे और अपनी प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार भी किया। और जब राम प्रताप गुप्ता जी जनता को संबोधित करते हैं, आइए इनसे इनके विचार सुनते हैं और यहां पर जिन्होंने इनका कार्यक्रम आयोजन किया था उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ आम आदमी पार्टी का आगे का रोड मैप रहेगा। नीलम रानी जी कम दिखाई दे रही हैं, क्या वो डिबेट के लिए तैयार हैं? क्या नीलम रानी डिबेट के भी तैयार है? वैसे वो वरना डोर टू डोर कंपेन में चली हुई है। आप सोशल मीडिया पे उनकी सारी फोटो तस्वीर देख सकते हो। तो उनको 3 दिन हो गए, 4 दिन से वो इसी काम में है। जैसे मैं प्रोग्राम्स ले रहा हूँ, मेरा बेटा शुभम गुप्ता और नीलम रानी डोर टू डोर, ताकि लोगों से मिलजुल रही है, कि ताकि लोगों को भी ये लगे मिलना जुलना एक बहुत अच्छी प्रथा भी है और एक आशीर्वाद भी मिलता है। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है जी? लोगों का समर्थन तो देखो, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि भूतपूर्व समर्थन है, मतलब बहुत अच्छा उन्माद जोश लोगों के बीच में है। बदलाव की राजनीति जो शुरू हुई है, जो दिल्ली से पंजाब में पहुंची और पंजाब से यहाँ की जो शुरुआत हुई है, और मुझे तो एक अलग ही आनंद मिला है, क्योंकि मैंने 2 साल से लोगों के बीच में सेवा की है। जो लोग आज 20 दिन की राजनीति करना चाहेंगे तो लोग उनसे ये पूछेंगे भी आज 20 दिन में आगे 5 साल में 20 दिन आप आए हो तो इससे पहले कहाँ थे? मेरा तो कल भी मैं वाल्मीकि बस्ती में था, भाट बस्ती में था, यही बातें चल रही थी भी प्रधान जी उनको आने तो दे, पूछेंगे ना उन लोगों से भी आज तक कहाँ थे, आज तो आए हो आप, बड़े अच्छे से आओ, बैठो, चाय पियो और हाथ जोड़ के कहेंगे जाओ आप। टक्कर की गली के लिए कोई भी हमारी सुनाई नहीं हुई, हमने सारा कुछ देख के भाई राम प्रताप जी का दामन थाम लिया। कौन सी गली के लिए गए? 33 फुटा रोड के लिए। 33 फुटा रोड का तो विधायक लीला राम जी ने शिलान्यास। ऐसा है जी, देखो 2 साल संघर्ष किया जी काफी जी। एक ये जो गली है बिल्कुल ही बंद पड़ी है, ये हमारे MC साहब है जो बालकृष्ण जी, 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं जी। कोई भी सुनाई नहीं हो रही है, उठो जी आप भी जी। तो हम ये सोचते हैं कि झाड़ू वालों को सामने लाए और आने वाले जो चुनाव है सभी से हम हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कैथल वासियों से, तो झाड़ू पर निशान दबाए और विजय बनाए भाई राम प्रताप को। इसमें वो अभी भी कब्जा टाया नहीं, पाला से हाई कोर्ट में भी आ गया, ये बेदखल कर दिया सरकार को ये, लेकिन एक मार्केट कमेटी ने बेदखल नहीं करा, उसकी यही ये है कब आगे दिखा दो जी। इस तरह दिखा दिखा। कितने साल से घूम रहे हैं ये? 5 साल। ये किस चीज़ की है जी नकली? ये समझाने की कोर्ट की है, किस चीज़ की है ये? ये पालन जी का कब्जा करके है, पालन जो नकल दिखा रहे हो पास ली है, ये इसी वार्ड की है जी, हाई कोर्ट से जीत लिया है, हाई कोर्ट की नहीं, SDM की कॉपी है बेदखल करने की। ठीक है, पालन चैनी बेदखल कर दिया, हम कक्षम तो कर दिया, उनको नहीं करे अभी तक, खड़े नहीं हुए, बेदखल कर दिया।